बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ लिया था कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे तो उनको हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे और पैरेलल में होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मान लो एक मैंने ये क्वेश्चन बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। इसको मान लेता हूं मैं, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है ना। ये 4 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है ना। अब इसको अगर मुझे निकालना है, अच्छा आपको पता है एक चीज याद रखना कि जब भी पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जब भी हम लोग ऐसे कुछ पढ़े थे ना कि ऐसे अगर R रेजिस्टेंस है ना, ये R1 है और ये R2 है ना, और ये बैटरी V लगा देंगे तो यहाँ का जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ का V, तो ये यहाँ तक V रहता है। मतलब जब तक बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं आता है तब तक वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो बेटा फिर V इसके अक्रॉस मान लो कुछ V1 ड्रॉप हो गया, इसके अक्रॉस V2, और V1 V2 का जो सम आता है वो किसके बराबर आता है, V के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से V लेके अगर चलता है तो बेटा यहाँ जीरो तो यहाँ का भी जीरो होगा, तो ये V पूरा कंज्यूम हो जाएगा इनके बीच में। तो कभी भी पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो किसके अक्रॉस होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA है, वोल्टेज है ना। ऐसे अगर मैं बैटरी यहाँ पे लगा दूंगा, ऐसे मान लो अपनी तरफ से ये एक बैटरी है, ठीक है ना, ये डॉट डॉट करके इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ का जीरो होगा, जीरो बोल दें या फिर VB भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वोल्टेज एट B, वोल्टेज एट A। अच्छा वही यहाँ पे होगा वोल्टेज एट A, यहाँ पे भी होगा वोल्टेज एट A, ठीक है ना। यहाँ का क्या होगा, वोल्टेज एट बी, मतलब सेम होगा बेसिकली, ठीक है ना। अब मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ सी और इसको बोल देता हूँ मैं डी, क्या बोल देता हूँ डी। यहाँ का पोटेंशियल बेटा क्या होगा, वी सी होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वी डी होगा मान लो। लेकिन एक मजे की बात यह है कि बी सी से वी डी जाने तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे पोटेंशियल वी सी है तो यहाँ का भी वी सी होगा, यहाँ का भी वी सी होगा, यहाँ का भी वी सी होगा, यहाँ का भी वी सी होगा। इट मीन्स दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों का वी सी इक्वल टू क्या जाएगा, बी डी आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, मतलब पोटेंशियल सेम रहता है, तो वो पॉइंट हम सेम मानते हैं। क्या मानते हैं, सेम पॉइंट मानते हैं। तो लिख लेना ये नोट पॉइंट लगा के, नोट पॉइंट लगा के लिख लेना कि जो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, मतलब जिन पॉइंट का सेम पोटेंशियल होता है उनको एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब देखो मुझे ए और बी के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ क्या करिए, जिसके अक्रॉस निकालना होता है उसको ऐसे दूर लिख लेते हैं ए बी, ठीक है ना। यहाँ बीच में सी लिख लीजिए और सी और डी बेटा लिख लीजिए, ठीक है। सी यहाँ पे डी ऐसे करके, सी और डी क्या है, इक्वली है एक तरीके से क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, VA और VC के बीच में कितना है, मतलब ये पॉइंट A तो ये भी A ही हो जाएगा ना एक तरीके से। A और C के बीच में कितना है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे ऐसे इसको लिख दो, यहाँ पे 2 ओम, ठीक है ना, ऐसे करके ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब C और B के बीच में, इधर भी D और B के बीच में, तो इसके अक्रॉस कितना है, 4 ओम है, और इसके अक्रॉस कितना है, 4 ओम है, ठीक है ना, ऐसे इस तरीके से। तो आप देखोगे कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये और ये वाले, किसमें है, पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में बेटा कैसे निकाल लोगे, पैरेलल में आपको पता ही है 1/2 करके है ना, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/2 दैट इज 1/1 आ जाएगा, है ना, 1/r इक्विवेलेंट, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक ट्रिक याद रखना कि जैसे दो रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस, वो पैरेलल में है, तो उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 3 होगा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए। इधर कितना आ जाएगा, 1/4 कितना आएगा, 1/2 का रिवर्स 2, इसका आ जाएगा कितना बेटा, इसका आ जाएगा 2। अगेन अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो सिंपली आ जाएगा ये 1 ओम है और ये क्या आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ये ए है और ये बी है बेटा, ये किसमें है, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस कितना आएगा, 3 ओम आएगा, इस तरीके से। तो हम इसमें बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ जहाँ का पोटेंशियल सेम होगा वहाँ वहाँ के पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये चीज़ लिख लीजिएगा कि सेम पोटेंशियल जो पॉइंट होते हैं उनको हम सेम पॉइंट मानते हैं, क्या मानते हैं, सेम पॉइंट मानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको,
इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से। ये जो बेटा मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ये बहुत काफ़ी अच्छे हैं, है ना। टेंथ में तो यूज करने के लिए नहीं आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरीके से, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये 2 ओम मान लो, ये 4 ओम मान लो, ये 8 ओम मान लो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का आपको लगेगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं डायरेक्ट, अब उसमें बैटरी वैटरी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, ये ए पॉइंट है तो ये भी ए पॉइंट है, मतलब सेम पॉइंट देते जाओगे जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। इधर आप आगे दे नहीं सकते हो आप, तो यहाँ का भी क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ का भी ए आएगा, और यहाँ का भी ए आएगा। हमारा मेन नेमिंग इंपॉर्टेंट होता है, जो जंक्शन होता है, जंक्शन आप समझ रहे हैं, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, तो ये पॉइंट भी क्या है, ए है, और ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, कैसे, बीच में कुछ रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। या बोले इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब मैं बात करता हूँ बी का, तो बेटा यहाँ पे बी है तो ये भी इधर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप देखोगे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पॉइंट डिफाइन हो गए हैं, तो आप जल्दी से ऐसे रख लीजिए और उसको वैसे सिंपल फॉर्म में सर्किट बना के आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे वी लिखो, तो देखो बेटा ए बी है ना, ये रेजिस्टेंस इसके बीच में, ए बी के बीच में, और ये बी ए, बी ए ए बी एक ही बात है, ये बी ए बी, मतलब तीनों किसके बीच में, ए बी के। तो आप ऐसे लिखोगे एक रेजिस्टेंस ये ए बी के बीच में 2 ओम, ये वाला ये भी ए बी के बीच में, या बी ए एक ही बात, चाहे कैसे भी पकड़ लो आप उसको, और ये भी किसके बीच में, ए वी के बीच में। तो आप देख रहे होंगे आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से कि ये तीनों किस में है, तीनों ही पैरेलल में है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो आप कन्फ्यूज होगे, क्या होगे, आप कन्फ्यूज होगे। तो देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तो आप इसका निकाल ही लोगे कि जो 1/r ए भी आएगा इक्वल रेजिस्टेंस, वो आएगा 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/4, उसको आप सॉल्व कर लोगे आगे, जो आंसर आएगा वो आप निकाल लोगे, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा, ये बेटा बहुत अच्छा टेक्निक है, ये पॉइंट देने वाला, ये आप एक एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर सकते हो, इवन आईआईटी के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो कहीं कहीं पे, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। चलिए मैं इसी के बाद एक आईआईटी का क्वेश्चन करता हूँ, आप खट से कर लेंगे इसी मेथड से, ठीक है ना। आईआईटी का क्वेश्चन थोड़ा मिला नहीं है ना, मिला बट उसमें थोड़ा और चीज़ें भी इंक्लूड थी, वो हम आपको नहीं दे सकते हैं ना। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये और एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो एक एस सी वर्मा बुक है, जो जनरली लोग जो जे का तैयारी करते हैं वो लोग लगाते हैं इस बुक को, उसमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है उसका, आप चाहे तो देख भी सकते हो। उसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसमें एक चीज़ और यूज हो रही है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना, उसके बाद मैं उसको कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं उसी तरीके से करना है कि पहले हम हर जंक्शन का, जैसे उसमें नहीं, हर जंक्शन के हम ए बी पॉइंट देते थे नाम, फिर उसको ऐसे रख के फिर उसमें हम अटैच करके, है ना, फिर हम देखते थे उसमें सीरीज पैरेलल, डायरेक्टली एक्चुअली उसमें दिख जाता है कि सीरीज में है कि पैरेलल, क्योंकि एक लाइन में बनाते हैं, या तो पैरेलल होगा तो ऐसे लगे होगा, सीरीज होगा तो ऐसे लगा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, एक्चुअली क्या है इसमें रेजिस्टेंस, एक ये है, 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 सबका रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे आर एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल मतलब आर है सबका, है ना, आर चाहे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी है सबका सेम है, ठीक है ना। हमें किसके अक्रॉस निकालना है, रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो सबसे पहले तो हम हर जंक्शन का क्या करेंगे, हर जंक्शन का बेटा नाम देंगे, क्या देंगे, नाम देंगे। ये बेटा ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो बेटा ये क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ सी, और इसको बोल देता हूँ मैं क्या, डी पॉइंट, क्या बोल देता हूँ, डी पॉइंट। बेटा सी है तो इसका अब आगे ए, अगर यहाँ पे तो इधर ए हो नहीं सकता, ना इधर ए हो सकता है, क्यों, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। इधर सी है तो इधर सी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है बीच में। बी इधर है तो इधर बी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अलग नाम देना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सी और डी दे दिया। अब हम क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना होता है उनको हम दूर लिखते हैं, क्या करते हैं, उनको थोड़ा हम एक डिस्टेंस पे लिखते हैं, ठीक है बेटा, उनको हम एक डिस्टेंस पे लिखते हैं और इनको बीच में डाल देते हैं। बीच में भी ऐसे डालते हैं कि D किसके पास है बेटा, B के पास है, तो D इधर रखेंगे और C किसके पास है, A की तरफ है, तो इधर C रखेंगे, C इधर रख दो, D इधर रख दो, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है, इसको एक लाइन में लिखना है।
अब देखो, अब हम बात करते हैं ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच में एक ए आर वाला है, तो आप ऐसे करके एक ऐसे लगा दो, ठीक है। अब सी और डी के बीच में एक ही एक रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ए और सी वाला हो गया है, सी और डी वाला भी हो गया है, डी और बी वाला हो गया है, ये दो बचे हुए हैं। ये दो कौन से हैं? ए और बी के बीच वाला, तो ए और बी ऐसे लगा दो आप, ठीक है। अब सी और बी वाला, तो सी और बी वाला कैसे आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल फॉर्म सर्किट बन गया है। अब आप इसका, इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आप देख के नहीं बता सकते, लेकिन इसमें देख के आप बता सकते हो कैसे। आपको दिख रहा होगा बेटा ए और बी के अक्रॉस निकालना है ना मुझे, तो आप देखोगे ये दोनों किसमें हैं? सीरीज में। किसमें हैं? सीरीज में। किसमें है बेटा? सीरीज में। तो इनका इनका मिलके क्या हो जाए, क्योंकि इनका एकदम एक लाइन में, इसमें बीच में कहीं ना ब्रांचिंग नहीं हुआ बेटा, ये तो डी बीच में पॉइंट है, लेकिन ब्रांच थोड़ा ना हुआ है ना। तो ये दोनों किसमें हैं? सीरीज में। तो ये अगर आ रहा है, ये आ रहा है, तो मिलकर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे हटा के यहाँ पे टू आर लिख दो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये 2R हो गया। अब ये और ये दोनों क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? ये भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, ये दोनों एंड पॉइंट कॉमन शेयर कर रहे हैं, सी और बी। तो इन दो, ये दोनों किसमें होंगे? पैरेलल होंगे। किसमें होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसका पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना आएगा? इसको इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो इसका आएगा 1/R + 1/2R। एलसीएम ले लो, दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा कितना? 2 + 1/2R, दैट इज 2R / 3। रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, तो इन इसको पूरा हटा के हम क्या जोड़ सकते हैं? 2R / 3। तो इसको आप हटा के जोड़ दीजिए 2R / 3, है ना, 2R / 3, क्लियर है। अब बेटा देखोगे ये किसमें हैं? ये सीरीज में। फिर इनको एक में कन्वर्ट करोगे, फिर ये किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो देखो बेटा, ये सीरीज में अगर होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा R + 2R / 3। तो ये हो जाएगा कितना? एलसीएम ले लो, 3R + 2R / 3, दैट इज 5R / 3। तो इन दोनों को हटा के बेटा क्या कर दो? 5R / 3 से जोड़ दो आप। अब 5R / 3 और R किसमें है? पैरेलल में। तो ये आप पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे आप? 1/R 3 / 5R, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 × 3 = 8, 8/5R आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना आंसर? 5R / 8, ये इसका आंसर आएगा। गॉट इट बेटा? ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 45 है, 42 नहीं है, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है ना। थोड़ा आपको जल्दी लग रहा होगा, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, अब उसको हम इस फिगर से, जो अपना जो सिंपल वाला फिगर होता है पॉइंट दे के, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वो है। उसके बाद तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, फार्मूला लगा के आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे और आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, इसमें क्या है? इसमें भी आर आर सबका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये किसी से अटैच्ड नहीं है, ये किसी से अटैच्ड नहीं है। ये एक सर्कुलर वायर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है। ये बी पॉइंट है, मान लो किसी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, उसको मैंने बी बोल दिया। तो बेटा अगर यहाँ का बी होगा तो यहाँ का भी बी होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके। यहाँ का भी क्या होगा? बी होगा। और यहाँ का भी क्या होगा? बी होगा, क्लियर है। और कोई जंक्शन बचा हुआ है जिसका नाम देना है? हाँ, बचा हुआ है बीच वाला, इसका नाम मैं देता हूँ सी। क्या देता हूँ? सी। अब मुझे पता है ए और बी के अगर एक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम उसको थोड़ा दूर लिखते हैं। क्या करते हैं? दूर लिखते हैं। और सी को कहाँ डाल देंगे? बीच में। अब देखो बेटा, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? ओनली वन। कितना? ओनली वन। ए और सी के बीच में एक है ना, उसका भी कितना है? आर रेजिस्टेंस है। अब सी और बी, अब या सी और बी के बीच में, या बी और सी के बीच में एक ही बात है। तो देखो, सी और बी के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब तीन रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, सी और बी के बीच में बोल सकते हैं। तो आप तीन कैसे लगाओगे? आप ऐसे लगाओगे ना, तीन उनके बीच में। तो तीनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये तीनों किसमें हैं? पैरेलल में। ये तीनों किसमें हैं? पैरेलल में, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो इनका पैरेलल निकाल लो, फिर उसका पूरा इसके साथ क्या जाएगा? सीरीज आंसर आ जाएगा। तो देखो पैरेलल में क्या होता है, मैंने बोला था कि जितना इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, जितने होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका देखो आर आर है, कितने हैं? तीन पैरेलल में, तो आर / 3 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, निकाल लो ऐसे करके आंसर, एलसीएम आर आएगा 1 + 1 + 1, 3/R, उल्टा कर दोगे R / 3, तो इसका पूरे का कितना आ जाएगा? R / 3 आ जाएगा।
इसका जाएगा, आर वाई थ्री। अब बेटा देखोगे ये किसमें है, सीरीज में, दूर से दिख रहा है, तो ये आर ए बी आ जाएगा सिंपली आर प्लस आर वाई थ्री, दैट इज एलसीएम लोगे थ्री आर प्लस आर वाई थ्री फोर आर वाई थ्री, यही आपका इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो देख रहे होगे ये कितना अच्छा एकदम हथियार है, खट से क्वेश्चन बन जाता है ना। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, ये आपकी गलती नहीं है, सब होते हैं, अभी आप भी बड़े हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अभी भी बड़े हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्वेल्थ में पढ़ें इसको, क्योंकि सिंपल है, पढ़ सकते हो आप, है ना। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जिसको सीबीएसई का सिर्फ एग्ज़ाम देना है, सीखना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका प्लान है आगे कॉमर्स लेने का, है ना, तो ना देखें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम में इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है ना। आप कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे उसमें यूज हो सकता है, इसका नॉलेज होगा, नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये बेटा हो गया, अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन का, तीसरे नंबर पे है ये, ठीक है, इसको हटा देते हैं बेटा, सब लाख टके की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हल्के मत लेना। ये आ रहा है, 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 जंक्शन बेटा के देखो, ये पॉइंट दे दिया, एक ये बी पॉइंट दे दिया है ना, इसके अक्रॉस निकालना है, बट इनके मुझे पॉइंट नहीं पता है, इनको ए या बी हम नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप सी और डी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो आप, ए ऐसे बी दूर है ना, सी और डी कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, क्यों लगभग सेम है, सी और डी। बेटा ए और सी के बीच में कितने, ए और सी के बीच में मात्र एक है, क्या है, मात्र एक है। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में दो हैं बेटा, और ये किसमें हैं, दो हैं, इस तरीके से ऐसे लिख दो ना इनको, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं। और डी और बी के बीच में एक है, अरे ये तो खेल हो गया यार, हैं, हाँ खेल नहीं हुआ है अभी। ए और डी के बीच में कितना है, ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में एक है आर, ठीक है, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, एक बचा हुआ है, तो कौन बचा हुआ है, बी और डी के बीच में हो गया है, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में हो एक है, यार इसमें तो लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया इसमें तो। इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। देखो होता क्या है कि अगर ऐसे कुछ है, ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे लिखिए थोड़ा, ये यहाँ पे ए ऐसे लिखिए, ये बी यहाँ पे लिखिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगा आपको, ठीक है, मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूँ, ये सी लिखिए, इधर डी लिखिए एक तरीके से, ठीक है, क्लियर है, ऐसे ही बना दोगे एग्जैक्टली, जैसा इसमें दिख रहा है, ए और सी के बीच में कितना है आर है, इसके बीच में आर है, और इसके बीच में भी आर है, और इसके बीच में भी क्या है आर है, और इधर चाहो तो आप 2R एक साथ लिख सकते हो या R लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मैं 2R लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसके एक्रॉस निकालना है, तो होता क्या बेटा, ये जो सिचुएशन होता है कि इधर ऐसे है, ये ऐसे है, बीच में ऐसे रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज भी फॉर्म हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, एक कॉन्सेप्ट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से होता है, ये आर मिडिल मैंने बोल दिया, ये आर वन और ये आर टू, ये आर थ्री और ये आर फोर, ये मान लो ए और बी। तो होता क्या है इसमें, इफ इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन आर वन इंटू आर थ्री इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो होता क्या है बेटा, जैसे मान लो ये ए है और ये बी पॉइंट होगा, ये और सी होगा और ये डी होगा, अगर ये इक्वल है इनके प्रोडक्ट, तो इनका इनका जो पोटेंशियल होता है, दिस इंप्लाई वी सी इक्वल टू क्या जाता है, बी डी हो जाता है, क्या हो जाता है, वी सी इक्वल टू बी डी हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर पोटेंशियल बेटा इक्वल है तो इसमें करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, जब इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस हो या ना हो
कोई मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो बेटा होता क्या है कि इस R5 को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गायब, ऐसे हटा देते हैं इसको। अब इसको अगर हमने हटा दिया तो अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप ये किस में दिख रहे हैं, आपको सीरीज में, ये किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, फिर पैरेलल में खट्स हो जाएगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे है। तो देखो आर इंटू आर क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर इंटू आर क्या आएगा, आर स्क्वायर, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे 2R को। इसी कंडीशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग कंडीशन होता है। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है कि इसमें करंट नहीं आता है, ठीक है ना। सो ये आर आर हो जाएगा सीरीज में, ये सीरीज में आर आर कितना हो जाएगा, 2R, ये 2R, फिर 2R 2R पैरेलल, तो 2R 2R पैरेलल का क्या आएगा, आर आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा इसका आंसर। ये तो खैर उड़ गया होगा मुझे लगता है आपका। तो ये कंसेप्ट आप देख लीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि जब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है तब बीज का जो होता है ये वाला ब्रिज, ब्रिज टाइप का जो डिस्टेंस होता है उसको हम हटा देते हैं। हटाएंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। नहीं समझे? वही मैंने यूज किया है इस तरीके। जब भी कुछ बीच में कोई रेजिस्टेंस आए इस तरीके से, यहाँ पे जो इसमें आया था ना आर मिडिल, उसको हम गायब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन है, उस केस में इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्यों होता है? कि जब इसका प्रोडक्ट इक्वल आता है। इसका प्रूफ भी होता है, प्रूफ हम 12th में करवाते हैं, आपका करवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लो, अगर कोई दिक्कत आता तो आप कमेंट में पूछिए ज़रूर, है ना। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, जिसको अच्छा से समझना है या कुछ एग्ज़ाम वगैरह देना है, इंटरेस्ट है, वही लोग पढ़े, बाकी किसी दूसरे का काम का नहीं है। किसी बच्ची का एग्ज़ाम देने के लिए हमको सिर्फ पढ़ना है तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो इसको जल्दी से करो बेटा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। देखो ये ए पॉइंट दिया इस जंक्शन का, ये बी है, हमें और सब जंक्शन के नाम लिखने हैं ना। अगर हम ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं तो लिख देंगे, नहीं अगर लिख पाएंगे तो हम कुछ नया नाम दे देंगे, जैसे सी और डी हम लोग देते थे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ का बी है तो यहाँ का भी बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ नहीं आया, इसमें बीच में कुछ नहीं आया, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं आया, और ये भी बी है ना। तो देखो जितने सर्कमफ्रेंस पे जंक्शन है सबके नाम क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और सेंटर में ए तो गिवेन है ऑलरेडी। तो देखो सबके नाम हो गए, अब हम क्या करेंगे, ए और ऐसे बी लिख लेंगे। तो ए और बी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, पता है बेटा ये चारों किस में है, पैरेलल में, बट आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। ए और बी के बीच में कितने, 4 रेजिस्टेंस हैं इस तरीके से, इस तरीके से, चारों किस में है, पैरेलल में, बट आपको नहीं दिख रहे होंगे अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, तो पैरेलल में तो क्या जाएगा, 1/RAB, मतलब जो इक्विवेलेंट आएगा RAB, मैंने मान लिया 1/R प्लस 1/R, या R बाई 4 कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस हैं इक्वल हैं, तो 4 हैं डिवाइड कर दो 4 से ना, तो 1/RAB है ना। LCM R आ जाएगा 1+1+1+, है ना। तो ये कितना जाएगा, 4/R, रिवर्स कर दो तो आर ए बी यहाँ से कितना जाएगा, R/4, यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखो बेटा कि हम पॉइंट जो जंक्शन होते हैं उनको पॉइंट हम दे के, पॉइंट का नाम देके कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत अच्छा टेक्निक है, ये आपको समझना ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है इसे कोई भी देख सकता है, आप 10th वाले भी देख सकते हो, है ना, जेई मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, आईटी का भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक है, आना चाहिए, है ना। कोई भी इसको यूज कर सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है, यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग और कुछ टेक्निक पढ़ते हैं, है ना। ये जैसे ये पॉइंट टेक्निक है, क्या है, पॉइंट टेक्निक है कि पॉइंट दे के फिर उनको मैसेज लिख के फिर सिंपल फॉर्म में सर्किट बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं लिखवा देता हूँ, और एक और मेथड है डेल्टा स्टार मेथड, ठीक है ना, डेल्टा स्टार मेथड। ये लोग जनरली 12th में भी नहीं पढ़ते हैं, 12th खैर सिलेबस में भी नहीं है, बट इसको इसका इससे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत उल्टे सीधे सर्किट पूछ देते हैं आपसे, है ना, जबकि आपकी उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बट लोग पूछते हैं फंसाने के लिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए उस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप कोशिश करें फंसाने के लिए, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे उसकी हम लोग बात करेंगे ना। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लिखवा के फिर हम डेल्टा स्टार को लिखवाएंगे, ठीक है ना, समझाएंगे कि हम उसमें कैसे करते हैं। कभी कभी सर
तो देखो बेटा, इसको लिख लीजिएगा आप, बेडस्टोन ब्रिज का है ना कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई ऐसे सर्किट दिया हुआ है, ये ए और बी है, ए और बी है, ये आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपका इक्वल है, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल है, तो सर्किट कैसे बन जाएगा ऐसे? बीच का जो भी होगा, कितने भी रेजिस्टेंस, चाहे एक लगाओ चाहे दस लगाओ, कितने भी लगाओ, ये पूरा जो वायर है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको डायरेक्टली दिखेगा, ये सीरीज सीरीज फिर देन पैरल, आराम से कर लोगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ सकता है, अगर मान लो इन केस इनका इनकम मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल नहीं हुआ, तो हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो कैसे करेंगे आगे अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? उसके लिए मैं एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डेल्टा स्टार मेथड, अभी हमने बताया था ना, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल, आप इसको रट लीजिए अभी, टेंथ वाले है ना, ट्वेल्थ में पढ़ते हैं इसको, ट्वेल्थ के बोर्ड में भी है, बट जो डेल्टा स्टार मैं आगे बताऊंगा बोर्ड में भी नहीं है, ठीक है? इसको आप लिख लीजिए जल्दी बेटा। ये डेल्टा स्टार मेथड होता है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि अगर इस फॉर्म में ऐसे कुछ रेजिस्टेंस दिए हो ना, ट्रेंगुलर फॉर्म में, उसके ऐसे साइड्स पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप बेसिकली इस चीज़ को आप ऐसे, मतलब इसके इक्विवेलेंट ऐसे दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हैं, ये अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, क्या है? अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना? इनको इसे मैंने आर वन टू बोला, इसे आर वन थ्री, इसे आर टू थ्री, क्यों बोला मैंने, मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली आप ऐसे कुछ ड्रॉ कर लीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ये शेप इसके अंदर दिख रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इधर वाला और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस बोले तो ये इन दोनों के बीच का है ना, ऐसे अगर देखा जाए तो, इसीलिए मैंने इसको आर वन टू बोला है। ये जो आर वन थ्री है वो इन दोनों के बीच का है, इसलिए मैंने आर वन थ्री बोला है। और ये जो है इन दोनों के बीच, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है, आर टू थ्री बोला है, ठीक है ना? आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने दिखाया हुआ है। बेटा आर वन टू जो होता है, आर वन टू क्या होता है, आर वन टू मतलब ये, इसे बोला मैंने आर वन टू, उसका जो वैल्यू आता है वो आता है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब जिन जिनके बीच का होता है उन दोनों का प्रोडक्ट, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, नहीं समझे? समझ गए होगे खट से, कि अगर मैं ये वाला निकालना है, अगर ये वाला निकालना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल। ये आर वन थ्री है, क्या है आर वन थ्री, तो आर वन थ्री क्या आ जाएगा, आर वन थ्री आ जाएगा इन दोनों का आर वन इंटू आर थ्री प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये टू और थ्री से मिलके बना है, इसलिए मैंने इसका क्या नाम किया, तो क्या नाम दिया, आर टू थ्री, तो आर टू थ्री हो जाएगा बेटा आर टू इंटू आर थ्री अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से इसको हम तोड़ लेते हैं, ठीक है ना बेटा? तो ये तो रही याद करने का एक तरीका है, इसको आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है ना? क्वेश्चन हम इसको कैसे यूज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर वो मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी का ही हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेते हैं, हम अभी क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मेथड है, अब वो कुछ भी कठिन नहीं है। इसको ऐसे इसमें तोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला ऐसे आ जाता है, उसमें क्या दिमाग लगाना आपको, ठीक है ना? और ये बेटा आपका बोर्ड में नहीं है, ट्वेल्थ के बोर्ड में, टेंथ का तो बात ही छोड़ दो, टेंथ वाले तो ऐसे ही मज़े में पढ़ रहे हैं एकदम मस्त। अगर सीखना है और ओलंपियाड के क्वेश्चंस करना है, कोई फंसा ना पाए ना उस टाइप के क्वेश्चंस, तो लिख लो इसको। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो आप देखेंगे ये कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, बीच में से रेजिस्टेंस, तो हम पहले हम चेक करेंगे कि ब्रिटिशस्टोन ब्रिज का कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कंडीशन अगर आ गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बीच का खत्म हो जाएगा, सीरीज सीरीज देन पैरेलल, है ना? सो अगर आप चेक करोगे तो थ्री टू जा सिक्स एंड सिक्स थ्री जा कितना जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्या करते हैं, अच्छा आप इसमें देखेंगे दो ट्रायंगल है ना, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को उसके फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने डेल्टा स्टार मेथड है ना, इधर ट्रायंगल था उसको इस तरीके से मैंने तोड़ा था, ऐसे इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके बनेगा। तो मैं इस ट्रायंगल को तोड़ लेता हूँ बेटा, इस ट्रायंगल को तोड़ेंगे तो ऐसे कुछ बीच में आएगा रेजिस्टेंस, है ना? ऐसे करके, है ना? ऐसे करके बना दो आप, है ना? जब हम इन सबको तोड़ के इसमें तोड़ देंगे तो बेटा ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना? एक तरीके से तो हम बोलेंगे इस तरीके से बना लो इसका सर्किट, ये हटा के ऐसे बनाओ, ये पॉइंट है, ये ऐसे करके, है ना? इस तरीके से बनाओ आप, ये है यहाँ पे, ये वाला ऐसे बना दो कुछ ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, देन
ये यहाँ वाला, ठीक है, इस तरीके से बनाओ। ये वाला बेटा है ना, ये वाला है, फिर ये इधर सिक्स बना दो आप। ये ख़त्म हो जाएगा ना ये तीनों, और ये इधर थ्री हो जाएगा, ठीक है, ये सिक्स हो, ठीक है। इन तीनों का निकालना, तो इसका जो आएगा इस ये वाला ये होगा, ये वाला ये होगा, और ये वाला ये होगा। तो ये जो आएगा बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और सबका सम, किसका, इसका सम बेटा, ट्रायंगल का, तीन दो पाँच तीन आठ, ये सिक्स बाई एट आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी सिक्स बाई क्या आ जाएगा, एट आएगा। अब इसमें क्या, और ये वाला क्या है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, थ्री थ्री जा नाइन बाई एट, इस तरीके से। तो आप देखोगे बहुत ही ये सिंपल हो गया है, बहुत ही सिंपल हो गया है। अब देखोगे ये सिक्स बाई एट है, ये सिक्स बाई एट है, ये नाइन बाई एट है, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। फिर इनको आप पैरेलल कर लो, फिर पूरा सीरीज में। इस तरीके से आप देखोगे कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज फेल हो जाता है तो हम डेल्टा स्टार मेथड को यूज करके एक ट्रायंगल जो होता है उसको हम इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं, है ना, ये ख़त्म हो जाते हैं, तो बड़ा सिंपल सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल सर्किट हो जाता है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप क्या करोगे वही करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे फिर पहला लगाओगे देन सीरीज, है ना। तो ये रही ये बात थी डेल्टा स्टार की। अब हम लोग आगे कुछ पढ़ते हैं ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर सिमेट्री। क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर सिमेट्री, सिमेट्री टाइप का कुछ होता है इसमें। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, आगे जरूर आंसर जरूर निकाल लीजिएगा। आंसर मुझे नहीं पता है इसका, बट मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। बट आप प्लेन मिरर सिमेट्री देखेंगे, एक्चुअली क्या है कि जैसे ये ए और बी के अक्रॉस मान लो मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा अगर आप इस तरीके से रखो इसको, इस तरीके से, तो आप देखोगे इसमें क्या है, एक तरीके से सिमेट्री है। क्या है, एक तरीके से सिमेट्री है, ठीक है ना। एक मिनट करो, इसको समझाने के पॉइंट भी से इसको ऐसे लिखो आप, मतलब इसको आप अटैच मत करो, सर्किट में बनाओ। जैसे बेटा हम अगर इसमें एक मिरर रखें ऐसे करके, तो आपको क्या दिखेगा, ये मिरर सिमेट्री नहीं दिखेगा इसमें। ये R2 है, ये भी R2 है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे प्लेन मिरर रख रहा हूँ, तो जो R2 इसकी इमेज जो होगी वही इमेज इसकी होगी, मतलब इसकी जो इमेज होगी वो ये होगी ना, एक तरीके से सेम है। तो होता क्या है कि जब करंट फ्लो करता है, जो इसमें होता है वही इसमें होता है, इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मिरर इमेज है एक दूसरे के, क्या है, मिरर इमेज है, मतलब रेजिस्टेंस भी सेम है, तो फिर क्या होगा, करंट भी सेम होता है। इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं, होता क्या है कि जब जिसके जिस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना हो, तो मान लो ए और बी, ये एक एक्सिस है, मतलब ए और बी है, तो ये एक एक्सिस मान लेंगे, ठीक है ना। इसके अबाउट अगर इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में परपेंडिकुलर पे, मतलब बीच में जहाँ पे सिमेट्री आपको दिखेगी, वहाँ पे हम प्लेन में रख के देखते हैं कि क्या सर्किट को अगर मैं फोल्ड करूं, तो एग्जैक्ट क्या वही सेम, मतलब आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो उसमें क्या आएगा, प्लेन मिरर सिमेट्री आएगा। अब हम उस प्लेन मिरर सिमेट्री को हम यूज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, लिखना हो तो। जैसे बेटा ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही गंदा टाइप का सर्किट है, सबका मैंने इक्वल रेजिस्टेंस मान लिया है, ए और बी के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक लग रहा है, कैसा लग रहा है, सिमेट्रिक लग रहा है। अगर मैं इसको, ये बेटा ए भी है, ये मान लो ये एक्सेस है, इसका बॉर्डर अगर मैं ऐसे एक यहाँ पे मिरर रख दूँ ऐसे करके, है ना, ऐसे मैं अगर मिरर रखूँगा, तो आप देखोगे जो इधर इमेज है वही एग्जैक्ट, मतलब जो इधर जिस टाइप का उधर ही इस टाइप का, ये इधर भी है, तो बोलेंगे कि इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, नहीं समझे, जो इसमें करंट होगा वो इसमें होगा, है ना, ऐसे इस तरीके से। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इधर से करंट जाएगा, मान लो इधर से बेटा I1 गया, इधर
I2 गया, इधर I3 गया, तो I2 करंट जाएगा तो I2 ही इसमें होगा। तो इसका मतलब है कि ये करंट सीधा चला गया है, इधर कहीं डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिवाइड नहीं होगा। अगर ये I1 है, क्या है ये I1 है, और इधर मान लो इधर I4 गया और इधर क्या चला गया I5, तो इधर I5 है, तो इसमें भी क्या होगा I5 ही होगा। मतलब इधर जो करंट आएगा वो ऐसे चला जाएगा I5, है ना, इस तरीके से। तो आप देख रहे होगे कि I5 इधर से आया इधर चला गया और I2 इधर से आया इधर चला गया। मतलब यहाँ पे टच होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ये जो टच हो रहा है ये बस जस्ट क्या है, जस्ट नाम भरे के लिए है, बाकी टच का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि करंट का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो पॉइंट होता है आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसका ये टचिंग जो पॉइंट है ना आप इसको ख़त्म कर सकते हो ऐसे करके, इस तरीके से। ये बेटा मेरा रही है ना, इसको आप ऐसे टचिंग ख़त्म कर सकते हो। तो आप देखोगे जैसे आप टचिंग ये ख़त्म करोगे वैसे ही एग्जैक्टली ये किस में दिखेगा, सीरीज में दिखेगा, देन पैरेलल, सीरीज पैरेलल, ठीक है ना। फिर ये पूरा आपका एक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा सीरीज में हो जाएगा, फिर ये पूरा सीरीज में हो जाएगा, है ना, फिर ये सीरीज में, फिर तीनों किस में जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो देखो इसको आप हटाएगो, आर आर है तो ये कितना जाएगा आपका, 2R आ जाएगा। क्या जाएगा? 2R आ जाएगा। इसको आप हटा दीजिए, करंट ही हटा दीजिए, करंट बस समझाने के लिए था, 2R, ठीक है बेटा। आप कर लेना चाहें आप इसको, इसको देखो पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में, ये पैरेलल तीनों सीरीज में, फिर ये तीनों पैरेलल में। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम आगे कुछ बात कर देते हैं, लैडर सर्किट। क्या लैडर सर्किट क्या होता है बेटा? इन्फाइनाइट, है ना, इन्फाइनाइट सर्किट जिसमें इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, उस टाइप के इन्फाइनाइट रेजिस्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये अप टू बहुत इन्फिटी मतलब चला गया है ना, ये आर है, ये आर है, ये आर है, मतलब सब इक्वल मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसका भी आर रेजिस्टेंस है, आर आर आर, है ना, इस तरीके से। तो मान लेता हूँ इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्या है इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो आर ए बी आएगा। क्या आएगा? आर ए बी, किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर आप देखोगे, अगर मैं सर्किट यहाँ से कट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कट करके ये जो पोर्शन है इसको मैं हटा देता हूँ, तो अगर मैं इसका फोटो बनाऊँगा तो ये कुछ यूँ आएगा, इस तरीके से आएगा। अच्छा ये बताओ, ये मैं काट के हटा दिया, मान लो इसे मैं बोल देता हूँ ए डैश, इसे बोल देता हूँ बी डैश, आर ए डैश और बी डैश क्या आएगा आपका? इसके अक्रॉस अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं तो कितना आएगा बेटा? जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। क्यों? क्योंकि इतना सा काट देने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट है ना, तो इसलिए अगर मैं आर ए बी यहाँ पे एक्स बोलूंगा तो ये आर ए बी डैश भी क्या हो जाएगा? ये भी एक्स ही आएगा, नहीं समझे? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा हटा के हम किससे जोड़ सकते हैं? एक्स से जोड़ सकते हैं, सिर्फ एक्स रेजिस्टेंस। वो एक्स रेजिस्टेंस क्या होगा? ये जो पूरा है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के पीछे वाला पूरा, है ना, पूरा हटा के पीछे वाला यहाँ किससे जोड़ देते हैं? यहाँ जोड़ देते हैं हम एक्स से। किससे जोड़ देते हैं? एक्स, नहीं समझे? ये इसका सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो देखो ये किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। पैरेलल निकाल लेते हैं, 1/x प्लस 1/r एलसीएम एक्स आर, आर प्लस एक्स, एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, है ना, ये इसका इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो मैं इसका बना देता हूँ अभी, आर दिस, ये ए और ये बी, ये आर, ये आर, ये क्या जाएगा? एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। ये तीनों किस में होंगे बेटा? तीनों आपके सीरीज में होंगे। किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। तो आ जाएगा 2R प्लस एक्स आर बाई एक्स प्लस आर, और ये किसके बराबर आएगा? इन इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आएगा? x के बराबर। यहाँ बेटा x रख दोगे आप,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x में बनेगा क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे इन टर्म्स ऑफ r, दो रूट आएंगे उसमें बेटा, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, चूंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, हम कौन सा कंसीडर करेंगे रूट, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं करेंगे, तो वहां से हमारा आंसर निकल आएगा। मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं, एलसीएम ले लो, 2r x plus r xr x into x plus r, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके भेज दिया उधर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से x का वैल्यू निकल आएगा। ये अप्रोच है एक तरीके का, ठीक है ना, ये एक तरह से डिटेल मैंने नहीं बताया, एक तरह से मैंने आपको एक आइडिया दिया है ना। टेंथ वाले ये सब आप पढ़िएगा मत, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो आप पढ़ लो, बाकी अदर जो ट्वेल्थ में हैं जो पढ़ चुके हैं अगर उन्हें देखना है तो यहाँ के उसके बाद तो आप कर ही लेंगे ना जो भी आंसर आएगा। तो ये सब पूरी कहानी थी इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ कंसेप्ट की, ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप कोई भी देख सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्वेल्थ वालों के लिए है ना, टेंथ वाले तो स्टार्टिंग का देख लेंगे, उनका काम हो जाएगा, ओलंपियाड वगैरह आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू।